भाई साहब चेप का मतलब समझते हैं, जिसे कहते हैं चिपकू। मारुति सुजुकी की विटारा ब्रेजा बिल्कुल वैसी ही गाड़ी है। जब से लॉन्च हुई थी 2016 में, तब लॉन्च होते ही नंबर वन स्पॉट पे आ गई और चिपकी रही। कितनी कंपनियों ने कोशिश कर ली, नहीं हटी। अब 4 साल हो गए उस बात को, अपडेट आना ज़रूरी था, अपडेट आ चुका है। लेकिन सबसे बड़ा चेंज है कि पहले ब्रेजा होती थी सिर्फ डीजल इंजन के साथ, लेकिन अब डीजल बंद हो चुका है और अब वो होगी सिर्फ पेट्रोल के साथ। तो क्या अभी भी इस नए अवतार में ये गाड़ी अपनी लीडरशिप स्पॉट बनाए रख सकती है? आइए जानते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन चेंजेस की। और अगर आप देखेंगे ब्रेजा को, नई अपडेटेड ब्रेजा को, रेडिकल चेंज नहीं है, लेकिन जो भी चेंज आपको ज्यादातर दिखेगा वो फ्रंट पे दिखेगा। जैसे आप देख सकते हैं ग्रिल नहीं है, यहाँ पे आपको एक क्रोम ग्रिल मिलती है। क्रोम बहुत अच्छा लगता है इंडियन बायर्स को, तो ये एक बायर्स के लिए अच्छी बात है। हेडलैम्प क्लस्टर एकदम नया है, यहाँ पे आपको LED DRL मिलती है। खास बात ये है कि यही LED DRL, जैसा कि हम लग्जरी कार्स में देखते हैं, ये डेवलप करती है साइड टर्न इंडिकेटर का भी। और उसके अलावा ये फॉग लैम्प्स नए हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा पार्ट, ये सब कुछ ये नया है। एक यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये थोड़ा सा एक रगेड अपील देता है फ्रंट को। तो ऑफ कोर्स फ्रंट से थोड़ा सा एक प्रीमियम जो कोशेंट होता है, एक प्रीमियम अपील, वो इस गाड़ी की बेहतर हुई है पहले से। उसके अलावा कुछ ज़्यादा खास चेंजेस नहीं है। साइड पे एलॉय व्हील्स, आपको नए डिज़ाइन के 16 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं, देखने में बखूबी बहुत बढ़िया डिज़ाइन है एलॉय व्हील्स का। लेकिन उसके अलावा साइड पे ज़्यादा कुछ खास चेंज नहीं है। साइड की ही तरह रियर पे भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। मेन चेंज टेल लैम्प का है, टेल लैम्प अब LED यूनिट है, दिखने में बहुत बढ़िया है, खासकर अगर आप रात में उसे देखते हैं, जब अपने ग्लो में होती है तब काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। तो हाँ, ओवरऑल लुक की बात करें तो फ्रंट में ही सबसे ज़्यादा चेंजेस हैं। आती हुई विटारा ब्रेजा आपको पता लगेगा नहीं है, जाती हुई में ध्यान देना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा खास चेंजेस नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा पहले से बेटर लुकिंग है और प्रीमियम लुकिंग है। तो अब बात करते हैं नई मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा के कैबिन के अंदर के चेंजेस की। अब पुरानी ब्रेजा से कंपेयर किया जाए तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में चेंजेस दिखेंगे। अब यहाँ पे आपको नई स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम की अवेलेबिलिटी है। इसका ये मतलब है कि ऑफकोर्स आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले जैसी फीचर्स मिलते हैं, साथ ही साथ में आप अपने स्मार्टफोन से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। स्मार्टफोन से आप सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, साथ ही साथ व्हीकल डेटा भी आप अपने फ़ोन पे ट्रैक कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी एडिड फंक्शनैलिटी है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे सीट कवर का जो डिज़ाइन पैटर्न है, यहाँ पे एक हनीकॉम्ब फिनिश दिया गया है, वो एक डिफरेंस है। उसके अलावा कुछ खास डिफरेंस नहीं है कैबिन के अंदर, सब कुछ सेम है जैसी पुराने ब्रेजा में था। तो यानी कि आपके स्पेस, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, सीटिंग, हेड रूम, लेग रूम, सब कुछ सेम है। और मेरे ख्याल से ये कुछ गलत बात नहीं है, ब्रेजा अपने सेगमेंट में शुरुआत से स्पेस और कंफर्ट के मामले में वन ऑफ द बेस्ट कार्स रही है। और जब कुछ ख़राब नहीं है तो उसे ज़बरदस्ती ठीक करने का कोई सेंस भी नहीं बनता। तो अब बात करते हैं सबसे बड़े चेंज की विटारा ब्रेजा में, जो कि है इसका पेट्रोल इंजन। अब विटारा ब्रेजा में डीजल इंजन बंद हो चुका है और अब आपको मिलेगा सिर्फ 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन। अब एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है और आपको 103 हॉर्स पावर की ताकत और 138 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है यहाँ पे। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो चलाने में पुरानी ब्रेजा से काफ़ी ज़्यादा आपको रिफाइंड एक्सपीरियंस मिलेगा, खासकर क्योंकि पेट्रोल इंजन है, तो ऑफकोर्स NVH भी काफ़ी कम है, तो एक स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको मिलता है। इसके अलावा परफॉर्मेंस लो एंड में बहुत बढ़िया है। एक बार आप करीब 2500 RPM हिट कर लेते हैं, उसके बाद आपको काफ़ी बढ़िया पिकअप मिलता है। एंड गियर बॉक्स यहाँ पर आपको 5 स्पीड मैनुअल का मिलता है और साथ में एक 4 स्पीड ऑटोमेटिक। अब मैनुअल की बात करें तो काफ़ी अच्छी तरह से रेशोज़ मैच करे गए हैं इंजन से, और इसका फ़ायदा आपको ये मिलता है कि जब आप
स्टॉप गो ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हैं, आपको ज़्यादा बार बार गियर को डाउन शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब फोर स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स की बात करें तो जैसा कि सुनने में ही लगता है, फोर स्पीड सुनने में कम लगता है और है भी कम। आज के ज़माने में जहाँ ट्रांसमिशन इतना आगे पहुँच गए, ये थोड़ा सा आउटडेटेड है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में डेली अगर आपका पर्पज़ गाड़ी मेनली सिटी में चलाने का है, कभी कभार एक्सप्रेसवे या हाईवे पे आप जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको कोई ख़ास कमी महसूस नहीं होगी इस ट्रांसमिशन में। मोर देन सफिशेंट है आपके रिक्वायरमेंट्स को हैंडल करने के लिए। लेकिन अगर आप ड्राइविंग को एंजॉय करना चाहते हैं उस केस में, या फिर आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं, सडन ओवरटेकिंग मैनूवर्स, वहाँ पे आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा रेशोज़ की कमी खलेगी। अब एक बड़ा एडिशन जो विटारा ब्रेज़ा में आया है इस अपडेट के साथ, वो है ये माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम का। अब ये सेम वही हाइब्रिड सिस्टम है जो आप पहले से आज अर्टिगा मारुति की दूसरी गाड़ियों में देख चुके हैं, यानी कि यहाँ पे आपको एक छोटी सी लिथियम आयन बैटरी मिलती है, स्टार्ट स्टॉप सिस्टम मिलता है, और साथ में सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप ब्रेक दबाते हैं, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाती है, वो यहाँ पे कैप्चर करके वापस यूज़ करी जाती है। फ़ायदा इसका ये है कि फ्यूल कंजम्पशन कम होती है, यानी कि आपकी गाड़ी का माइलेज बढ़ता है। लेकिन मेरे हिसाब से एक जो चीज़ बढ़िया हो सकती थी वो इसमें ये है कि अभी ये सिस्टम आपको सिर्फ ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ मिलता है, और हमारे हिसाब से मैनुअल के साथ भी ये हाइब्रिड सिस्टम आना चाहिए था, लेकिन होपफुली आने वाले टाइम में मारुति इसे मैनुअल वेरिएंट के साथ भी लॉन्च करेगी। शुरुआत से हैंडलिंग के मामले में ये गाड़ी अच्छी रही है, अभी भी सेम है, क्योंकि कोई चेंजेस नहीं करे गए हैं इसके शैसी में या सस्पेंशन में, तो अभी भी काफ़ी स्टेबल गाड़ी है। राइड क्वालिटी की बात करें तो राइड क्वालिटी सेम जैसे पहले था, थोड़ा सा फर्म साइड पे है, मगर उसका फ़ायदा आपको मिलता है हाई स्पीड पे हैंडलिंग अच्छी है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती गाड़ी के अंदर, और ओवरऑल एक बहुत ही आपको पहले से एक इम्प्रूव्ड ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलता है इस नई PS6 पेट्रोल विटारा ब्रेज़ा में। अब जब हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं ब्रेज़ा की खूबियां और कमियों की, अब बताते हैं कि क्या ये गाड़ी अपनी लीडरशिप पोजीशन अभी भी मेंटेन कर सकती है या नहीं। पुरानी ब्रेज़ा में जहां की बहुत सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स थे, एक बहुत बड़ा एडवांटेज था उसके पास, नई ब्रेज़ा में वो एग्रेसिव बाइट देखने को नहीं मिलती है। लेकिन ऑफकोर्स ब्रेज़ा ने अपना एक सेगमेंट बना लिया है, अपनी एक मार्केट लीडरशिप है उसके पास, एक फॉलोइंग है, और अब ये गाड़ी पहले से और बेटर हो गई है देखने के मामले में, और मेन बात चलाने के मामले में। एंड ये बात बहुत सारे बायर्स के लिए मैटर करती है, बहुत टाइम से लोग वेट कर रहे थे पेट्रोल ब्रेज़ा का, फाइनली अब है। एंड जो प्राइसिंग है इस गाड़ी की काफ़ी कंपेरेटिव है, ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ वेरिएंट्स काफ़ी हैं, एंड इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ब्रेज़ा हमारे हिसाब से अभी भी अपनी एक सक्सेस स्टोरी कंटिन्यू रख सकती है।